हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज की जो हमारी क्लास है वो है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। इससे पहले हमने और भी लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो अब तक हमने क्या देख लिया उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये हमारा नया सिलेबस है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, ये हमारा हो गया है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पोषण वाला चैप्टर कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड ही ये सब टॉपिक्स हैं। तो उससे रिलेटेड जब ये टॉपिक है तो इसलिए हम लोग पूरी कनेक्टिविटी के साथ में अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। यदि हम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री से ये बात क्लियर हो गई कि अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की ये योजना है, बिल्कुल ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं अनेमिया, क्या क्या है बोलो, साथ में बोलो, कुपोषण एवं अनेमिया तथा 15 से लेकर के 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त अनेमिया एक चुनौती है, इसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य में NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 47% महिलाएं अनेमिया से पीड़ित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि अपने को याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला गया, चलो फिर से देखो कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत में क्या किया जाएगा। तो सुपोषण योजना के तहत ये बोला गया कि हम ना कुपोषण और अनेमिया को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, अनेमिया किसको, तो 15 से लेकर के यानी कि 15 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं में अनेमिया। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका डेटा निकाला गया कि कितनी महिलाएं अनेमिया से ग्रस्त हैं, तो पाया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कि 47% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु बच्चों में व्याप्त कुपोषण को कम करना है, अपने को समाप्त करना है। तो फिर ये फिर से उठाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और फिर उसके बाद उसका डेटा को देखने लगे, बोले 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे ना कुपोषित हैं। अच्छा चलो ठीक, डेटा तो पता चल गया ना एटलीस्ट अपने को, 37.7 और ये 47, यानी कि ये महिलाएं हैं 15 से 49 की और ये बच्चे हैं 5 वर्ष से कम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बोलते हैं ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक। तो वर्तमान में योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण एवं अनेमिया और गर्भवती महिलाओं तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, फिर उसके बाद सुनो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप सुनो कौन सा कथन सत्य है। पहली बात, इस योजना का उद्देश्य है कि 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण एवं अनेमिया, अनेमिया किसमें, तो गर्भवती महिलाओं तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को अनेमिया से मुक्त करना है। तो कितने वर्ष के बच्चों को याद रखोगे आप लोग,
6 वर्ष तक के बच्चों को याद रखोगे, महिलाओं को कितने को याद रखोगे, 15 से 49 के महिलाओं को याद रखोगे। तो यहाँ पे केवल महिलाएं बस नहीं है, गर्भवती महिला भी है इसके अंतर्गत। कौन है? सुपोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाएं भी हैं। और जब नॉर्मल महिलाओं की आयु वर्ग को देखोगे तो 15 से 49, ये याद रखना, ये तीनों ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हमें लगेगा कि हाँ हाँ महिलाएं और हम गर्भवती महिलाओं पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। क्या मेंशन है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है कि 6 वर्ष आयु तक के बच्चे में कुपोषण एवं अनीमिया और गर्भवती महिलाओं तथा 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं में अनीमिया से मुक्ति। तो तीन पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। क्लियर है? चलो, योजना के अंतर्गत प्रदेश में योजना प्रारंभ से माह यानी कि नवंबर 2022 की स्थिति में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के 260,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। बोलेंगे कि कितने इसका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है, 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। कब का डेटा है? तो नवंबर 2022 की स्थिति है। आयु वर्ग क्या है बच्चों में? तो 6 माह से 6 वर्ष। तो पोषण आहार के रूप में क्या दे रहे हैं? वो गरम पका हुआ भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। कैसे कुपोषण से मुक्ति दिलाएंगे ये, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा हुआ है, तो उसको एक बार देखिएगा आपने यदि नहीं देखा है तो। तो क्या कर रहे हैं ये, गरम पका हुआ भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया दे रहे हैं आदि दे रहे हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अनेमिक बच्चों एवं महिलाओं के, तो आपको क्या क्या, देखो अब तक हमने उद्देश्य में क्या देखा, हमने देखा कि 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण एवं अनेमिया बिल्कुल ठीक है, मुक्त करना है। दूसरे पॉइंट में देखा गर्भवती महिलाओं में, ठीक है, गर्भवती महिलाओं में। तीसरे में हमने देखा कि 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में क्या, किससे मुक्ति, तो अनीमिया से मुक्ति, अनीमिया से मुक्ति। 6 वर्ष तक के बच्चों कुपोषण अनीमिया, गर्भवती महिलाओं और 15 से 49 महिलाओं में अनीमिया से मुक्ति, ये किसका उद्देश्य है? तो ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य है, ठीक। अब क्या बताया गया है, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अनेमिक बच्चों एवं महिलाओं के IFA अथवा सिरप क्रीमीनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं। इस योजना की मुख्य बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है। पूछा जाएगा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का कार्यान्वयन किस तरह किया जा रहा है, तो जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है, ठीक। इस योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज न्यास निधि एवं CSR मद तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है। जिले की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप योजना के संचालन के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना एवं रणनीति तैयार का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये जिलेवार हो रहा है, जिलेवार हो रहा है, तो उसके लिए ये बोले कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए अपन ऐसा करते हैं, एक निधि का गठन कर देते हैं। तो बोले ठीक है कर दो, इसी से पैसे उठाएंगे। लेकिन इस निधि में पैसे कैसे आएंगे, तो जिला स्तर पर खनिज न्यास निधि, जो खनिज न्यास निधि है, एवं CSR मद तथा जन सहयोग से जो भी धनराशि प्राप्त होगी वो सब धनराशि मुख्यमंत्री सुपोषण निधि के अंतर्गत जाएगी, और सुपोषण निधि, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि के माध्यम से ये योजना में क्या कर हुआ जाएगा,
जो भी व्यय आ रहा है यानी कि जो भी खर्च आ रहा है उसमें लगाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जिला स्तर पर ये काम हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बताया गया जैसे कि भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया ये प्रदान किया जाएगा, तो खर्च तो आएंगे ना, कि ऐसे ही काम हो जाएगा, नहीं, पैसे लगेंगे। तो पैसे के लिए जिला स्तर पर ये मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन कर लिए हैं। और गठन के लिए क्या क्या पैसे आ रहे हैं वहां पे, कैसे आएंगे, खनिज न्यास निधि से, CSR मद से, और क्या बोलते हैं, जन सहयोग से, ठीक है। याद रहेगा क्या अपने को, ये अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है, अब ये क्या हमने देख लिया, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को देखा है, ठीक है। अब जैसे कि यदि हम आपके इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, आपके सिलेबस की यदि हम बात करें, तो एक बार सिलेबस पे हम नजर दौड़ाएंगे, ठीक है, कि हमने क्या क्या देख लिया है। तो जैसा कि जहां जहां पे अंडरलाइन है वो चीज हमने देख ली है, तो बस उसको अपने को ये समझना है कि इतना टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम कुपोषण वृद्धि निगरानी ये देखेंगे, वजन त्योहार जो कि हमने कर लिया, लेकिन इसके अंतर्गत थोड़ा सा जो पॉइंट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। यदि आप यहाँ पे बात करो, तो हमने CSR निधि की बात करी, तो कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि CSR क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुने हो क्या, नहीं सुने हो तो लिख लो, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगी। जैसे कि देखो कंपनी जो सेटअप रहती है ना, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग, तो उद्योग आपके राज्य में है, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण भी फैला रहे हैं, ठीक, तो वो जो क्या करते हैं कि अपने से कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, कि ये हमारी तरफ से ये पैसे हैं, तो वो पैसे इसमें लगेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप इसकी बात कर रहे हो कि ये जो है, जैसे कि जब कोरोना काल था ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार का जिंदल प्लांट से इस विषय में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। कहासुनी ऐसी थी, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कहासुनी ऐसी थी, बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने क्या किया था कि जिंदल प्लांट ने प्रधानमंत्री कोष में दिया था, ना कि मुख्यमंत्री कोष में दिया था। तो इनका ये कहना था कि तुम छत्तीसगढ़ राज्य में हो और तुम्हारा प्लांट यहाँ सेटअप है और तुम प्रधानमंत्री कोष में दे रहे हो, ठीक है, तो बस ये वाला मतलब आया मेरे दिमाग में, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR का क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक सामाजिक जवाबदारी, ठीक। तो चलो कहीं पे कोई डाउट भी हो तो मैंने आपको बता दिया, और भी यदि कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का सभी टॉपिक बढ़िया समय से कंप्लीट हो जाए, और मेरी आशा है कि आप लोगों ने भर भी दिया होगा अपना फॉर्म, यदि नहीं भरे हो तो बिल्कुल भर दो, है ना, कि क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर दो समय से, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। लगभग आप मान करके चलो अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जहां तक मतलब कि व्यापम का एग्जाम लेने का जो तरीका है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप देखोगे तो 30 तारीख तक तो ये फॉर्म की डेट रखे हैं, उसके बाद यदि हम देखें तो लगभग आपका अगस्त लास्ट या सितंबर की फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, ठीक, तो तब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यदि आपको ये जो योजना वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब में करवा ही रही हूँ, और यदि आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए 9584532690, ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड करके आप अपने से पढ़िए, ठीक। चलो आज की क्लास को ये पेन करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। सबसे पहले आप सभी को, क्योंकि हम जा रहे हैं, तो नमः शिवाय, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।